हे गाइस, बैक अगेन माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो Y01 फोन में आप जो गाइस कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग कौन से फाइल में कौन से फोल्डर में सेव होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको सेटिंग करके बता रहा हूँ अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग फाइल कैसे चेक कर सकती है, कौन से फोल्डर में कौन से फाइल में सेव होता है कॉल रिकॉर्डिंग। या फिर अगर आप उसको कॉल रिकॉर्डिंग को सुनना चाहते हैं सुन नहीं पाते हैं, या फिर अगर आपको कहीं पे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी नहीं कर पाते हैं, बट मैं आपको जो सेटिंग बताऊंगा आप उसके जरिए अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग फाइल को बिल्कुल चेक कर सकते हैं जो कि कॉल रिकॉर्डिंग सेव कहाँ पर होती है। ठीक है, आपको देखिए पहले फाइल मैनेजर गाइस अपने फोन में ओपन कर लेना है। फाइल मैनेजर ओपन करिए, यहाँ पे पहले नेक्स्ट का ऑप्शन पे इसको अलाउ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा मेन स्टोरेज का ऑप्शन, यहाँ पर गाइस क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है, आपको यहाँ पे मिलेगा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, यहाँ पर गाइस क्लिक करके रिकॉर्ड पे क्लिक करके कॉल का ऑप्शन है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी 2 कॉल रिकॉर्डिंग किया है जो कि कॉल रिकॉर्डिंग हमारे फोन के फाइल मैनेजर में सेव है। ठीक है, बट आप अगर अपने फोन में गूगल डायलर से कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग फाइल मैनेजर में सेव नहीं होता है तो कहां पर सेव होता है ये मैं आपको सेटिंग करके बता रहा हूं। या फिर अगर आपको उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को फाइल मैनेजर में सेव करना चाहते हैं तो मेरे को वीडियो में कमेंट करना है, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा वहां पर भी आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा कि गूगल डायलर की कॉल रिकॉर्डिंग को फाइल मैनेजर में सेव कहां करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, यहां से ऑल बैक आना, आपको देखिए कॉल रिकॉर्डिंग को चेक करने के लिए अपने फोन में पहले डायलर ओपन कर लेना है। डायलर ओपन करेंगे, आपने जिस नंबर से गैस कॉल करके और जिस नंबर की आपने कॉल रिकॉर्डिंग की है उसी नंबर पर सिंगल बार गैस क्लिक कर देना। ठीक है, सिंगल बार जब गैस क्लिक करेंगे आपको मिलेगा रिकॉर्डेड का ऑप्शन नीचे, और आपको देखिए यहाँ पे प्ले करने का ऑप्शन मिलेगा, इसको प्ले करके यहीं से सुन सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको प्ले 15 सेकंड की हमने गैस कॉल रिकॉर्डिंग किया है, और यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा शेयर का ऑप्शन, अगर किसी के पास शेयर करना है बिल्कुल यहीं से शेयर भी कर सकते हैं। और आपको राइट साइड में यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको इसको डिलीट भी करना चाहेंगे तो सेम यहीं से आप डिलीट भी कर सकती हैं। तो गाइस, आप जो गाइस गूगल डायलर से कॉल रिकॉर्डिंग करते हो, कॉल रिकॉर्डिंग आपके फोन के बिल्कुल जो कि डायलर में ही शेप होती है, आप वहीं से कॉल रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग को वहीं से डिलीट भी कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग को वहीं से किसी के पास शेयर भी कर सकती हैं। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।